बोला था ना तुझे, समझ में नहीं आता तुझे? अरे ये मेरी माँ के साथ क्या कर रही है? बहू छोड़, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे बस करना, दुनिया को और कितना मारेगी, वैसे भी देख नहीं रही है इसकी मरने की उम्र हो गई है। तेरे मारने के चलते अगर ये मर गई ना तो सारा इल्जाम तेरे ऊपर आ जाएगा। तो क्या करूं मैं, मेरा पति तो 6-6 महीने बाहर रहता है और इस बुढ़िया को मेरे चक्करों से भी प्रॉब्लम है। अरे बॉयफ्रेंड बनाऊ ना तो और क्या करूं, कैसे गुजारा करूंगी मैं? और वैसे भी अगर मैं आशिकी कर रही हूं तो इस बुढ़िया को क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, ये तुम्हारा नौकर यहाँ क्या कर रहा है? हो नौकर, वीडियो बना रहा है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं भैया, वो ना मैं अपनी मम्मी को वीडियो कॉल कर रहा था, यहाँ पे ना कहीं नेटवर्क नहीं आ रहे, बस वही नेटवर्क देख रहा था मैं। अच्छा तो तुझे सारे नेटवर्क यहाँ गेट के पास मिल रहे हैं? हमारे पूरे घर में नेटवर्क आते हैं, ये बकवास करना बंद कर और सच बोल, यहाँ क्यों खड़ा है? अरे नहीं नहीं मैम साहब, कई बार ना दिक्कत आ जाती है नेटवर्क में तो मैं ना इधर खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पर ना सही नेटवर्क आते हैं। तू बकवास बंद कर, तू फोन दिखा अपना, तूने पक्का वीडियो बनाई है? अरे नहीं मैम साहब, वो मां अस्पताल में है ना तो जरूरी बात करनी है। हाँ तो क्या तू अपने यहाँ पे माँ का इलाज करवा रहा है? अरे करवाना है तो बाहर जाना, यहाँ क्यों खड़ा है? अरे नहीं मैम साहब, मुझे बात करने दीजिए, और मैं तुम्हारी तरह कोई बड़ा आदमी थोड़ी हूँ जो अच्छे अस्पताल में अपनी मम्मी का इलाज कर पाऊंगा, मुझे तो फिर भी सरकारी अस्पताल में जाना है, तो मुझे जाने दीजिए ना। चल चल अब तू ज्ञान मत दे मेरे को, तुझे दिख नहीं रहा मैं अपनी प्यारी सासू माँ से बात कर रही हूँ, निकल यहाँ से। पर आप बात कहाँ कर रहे हो मैम साहब, आप तो मार रहे हो। ज्यादा बकवास करी ना तेरी जबान काट दूंगी, तुझे दिख नहीं रहा मैं बात ही कर रही हूँ। और हाँ खबरदार, अगर तूने ये बातें गौरव को बताई तो जा जाकर अंदर बैठ। क्या मुस्कान, तूने अपने घर में कैसे कैसे नौकर पाल रखे हैं? अरे क्या करूँ यार, ये लोग समझ के ही नहीं देते, कहते पुराना नौकर है, वफादार नौकर है, इसी को रखना है। पर तुम टेंशन मत लो, इसे तो मैं घर से बाहर करवा के रहूंगी। आने दो गौरव को, ऐसे कान भरूंगी कि ये मुझे गंदी नजर से देखता है और इसने मुझे गलत टच भी किया, फिर देखो मेरे पति का कमाल, इसे ऐसे करके निकाल देगा। अरे तू ये सब छोड़, ये बता इस बुढ़िया का क्या करना है? इस बुढ़िया का वो तो इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। शक कर रही थी ना, 10 बातें बोल रही थी। और हाँ मार पिटाई से काम नहीं चलेगा, इसको तो मैं अच्छे से टॉर्चर करूंगी, तड़पाऊंगी, इसको भी तो पता चले इसने फंगा किससे लिया है। देख लिया ना साहब, ये मैम साहब पर कितना जुल्म कर रहे हैं, ये रोज मैम साहब को ऐसे मारते हैं। मैं कहता ना साहब आपसे, 3-4 दिन पहले से चल रहा है तो तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? साहब पहले मैंने सोचा कि अपना मुंह बंद रखता हूँ, लेकिन साहब तुम्हारी माँ और मेरी माँ एक जैसी है, इसलिए ना मुझे दया आ गई, मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें। यार मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है मेरे घर में, मैं आधे घंटे की दूरी पे हूँ घर से, मैं अभी पहुँचता हूँ। वैसे भी 2-3 दिन बाद मैं आने ही वाला था घर पे, पर मैं अभी आता हूँ, आधे घंटे में मैं घर पे पहुँचता हूँ। ठीक है साहब, मैं जब तक देखता हूँ, ये मालिक इनको ज्यादा परेशान ना करें। इसको ना तड़पाऊं मैं इसे, पर इससे अच्छा क्यों ना इसे दर दर की ठोकरें खिलाऊं, इसे ना कहीं बाहर छुड़ाते हैं, 500 रुपए देंगे, गुजारा करेगी अपना, भीख मांगेगी रेड लाइट पे। तुम्हें पता है इसका खर्चा कितना है? इसका बेटा कितने पैसे भेजता होगा, 10-20 हजार रुपए भेजता है, उसमें से इस बुढ़िया के एक्सपेंसिव, इसकी मेडिसिन, इसका खाना, इसको दलिया खाना है, ओट्स खाने है, इसका खर्चा संभालूंगी मैं, अपना खर्चा संभालू। अब तुम तो जानते ही हो मुझे पार्लर भी जाना होता है और शॉपिंग तो मस्ट है, तो क्यों ना इसे हम बाहर निकाल दें? अरे बेबी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, कह दूंगी इसके बेटे को कि भाग गई है किसी बुड्ढे के साथ। बेकार है, पर तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक मस्त प्लान है। तेरी सास तो वैसे बहुत सारी दवाई खाती है, तो एक काम करते हैं, उन बहुत सारी दवाइयों में ना कुछ दवाइयां और मिला देते हैं जिससे ये बुढ़ी पागल हो जाए, और एक दिन बाहर जाकर कहीं छोड़ देंगे, और पागल आदमी आज तक कभी घर लौट कर आया नहीं है।
उसका बेटा जब आएगा तो बोल देंगे कि पता नहीं बुढ़िया ने कौन कौन सी दवाई खाई और पागल होकर कहीं चली गई, और हमने तो बहुत कोशिश की ढूंढने की पर हमें मिली भी नहीं। बेबी तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, अब हम इसी पे वर्क करेंगे। इस बुढ़िया को देखना जरा, कैसे आराम से पड़ी है। ए बुढ़िया उठ। अरे मैंने कहा उठ। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे ना अब इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, बहुत हो गया शोराम, चल निकल अब यहाँ से। मुंह क्या देख रही है मेरा, पागल दिख रही है? बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, तू अपनी हस्ती खेलती गृहस्थी में आग क्यों लगा रही है? देख तू मेरी बात मान, मैं ना अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी, तू अपनी सासी को घर से बाहर भेज दे, मैं ना कुछ भी नहीं बताऊंगी, तेरे घर का सारा काम करूंगी। सुन मेरा दिमाग खराब मत कर, और ये जो चेहरा बना रही है ना तू भोला सा, मुझे अच्छे से पता है तू किसी भी एंगल से भोली नहीं है, तो मुझे पागल मत बना। और क्या कह रही है तू, अपने आशिक को बाहर निकाल दूं, तू कुछ नहीं बताएगी मेरे पति को? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुझे बताए या ना बताए, अरे खुद का बेटा तो 6-6 महीने बाहर पड़ा रहता है, मेरा क्या, अपनी जवानी वेस्ट कर लूं तेरे बेटे के चक्कर में? मुझे ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, चल अब तो बाहर निकल। बट एक सेकेंड यार, इस गरीब औरत के पास तो पैसे ही नहीं होंगे ना। रुक रुक टेंशन मत ले, तुझे अभी 500 रुपए दिलवाती हूँ। सुनो ना इसे सिर्फ 500 रुपए दे दो, बेचारी का गुजारा चल जाएगा। हाँ अभी देता हूँ, ये लो। ये ले पकड़ और अब चल घर से बाहर निकल, इन्हीं में अपना गुजारा करियो, चल निकल। ओहो छोड़ मुझे। हाथ छुड़ा रही है तू अब मेरा? बहू देख मैं तुझे फिर दोबारा से समझा रही हूँ, तू इसको निकाल दे। अरे तेरी हंसती खेलती गृहस्थी है, उसको क्यों झाड़ने पे तुली हुई है? अगर तू नहीं मानी ना तो मेरे बेटा आ जाएगा, तेरी सारी करतूतें बता दूंगी मैं उसको। बात सुन मेरी, अपनी ना जबान को बंद रख वरना तेरी जबान काट दूंगी। देख ज्यादा मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना साइकोपैथ हूं, मेरा बस चलता तो अभी तक तुझे पीसेस में काट के ना कोई दफना जाती, ये तो इन्होंने मना कर दिया, और इनकी बात मैं टाल नहीं सकती। इन्होंने कहा कि बेचारी बुढ़िया को जाने दो, तो बस इसलिए जाने दे रही हूँ, चल अब चुपचाप जा। प्यारी सासू माँ निकले यहाँ से। बहू देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तो मुझे अभी इस घर से बाहर मत निकाल। अरे इतने दिनों बाद तो मेरा बेटा आएगा, एक बार मैं उससे मिल लूँ, फिर तू जहाँ कहेगी ना मैं वहीं चली जाऊंगी बेटा, सिर्फ एक बार। नहीं आएगा वो, नहीं आएगा तेरा बेटा, कई दिनों से कॉल भी नहीं आया, मुझे तो लगता है कहीं शहीद ना हो गया। बहू अरे शर्म कर, वो तेरा पति है। चुप कर, मेरे से ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत मत कर लियो। मोनू इसे अभी के अभी धक्का मार के निकालो, मेरे को इसकी शक्ल नहीं देखनी, मैं सारे एडजस्ट कर दिया। भैया चल बात। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मुस्कान ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में, ये आदमी कौन है, और मेरे ही घर में से मेरी माँ को ये धक्का मार के निकाल रहा है और तुम यहाँ खड़ी खड़ी देख रही हो? गौरव क्या बात कर रहे हो यार तुम, धक्का थोड़ी दे रहा था ये तो बस माँ जी को हॉस्पिटल तक लेके जा रहा था, वो माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है ना, बच्ची बन गई है तुम्हारे जाने के बाद से, मानती नहीं है, तो बस डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे। मुझे पहले ये बताओ ये है कौन? ये मेरा मुंह बोला भाई है, वो कॉलेज में हम साथ में पढ़ते थे ना, तो मैं इसे भाई बोलती थी, ये मुझे बहन बोल। अरे मुस्कान और कितना झूठ बोलोगी तुम, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? अरे मैं ऑफिस में बैठ के सब कुछ देख रहा था वीडियो कॉल पे, रामू ने मेरे पास वीडियो कॉल करी थी और उसमें मैंने तुम्हारे एक एक प्लान की एक एक लाइन सुन ली कि कैसे तुम मेरी माँ को पागल बनाना चाहते थे और उन्हें बाहर निकालना चाहते थे अपने ही घर से, कैसे तुम उन्हें दर बदर की ठोकरें खिलाना चाहते थे
तुम दोनों यहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे ना जितनी भी बैठ के, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखी है और इसीलिए मैं यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गया हूँ। गौरव तुम ये कैसी बात कर रहे हो, पागल फागल हो गए हो क्या? मैं माँ को क्यों निकालना चाहूंगी, मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, कितना ख्याल रखती हूँ, है ना माँ? और ये भाई है यार ये मेरा, एक काम कर भाई तू जा, देखा हो गया। कहाँ जा रहा है तू? तुझे इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा मैं, तू जाएगा ना तो सीधा हवालात में जाएगा, और तुम झूठ बोलती रहो जितना तुम्हें बोलना है, लेकिन सच आज मेरी आंखों के सामने है। अगर मैंने वीडियो कॉल पे तुम्हारी सच्चाई देखी ना होती ना, तो शायद मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों पे विश्वास कर भी लेता, लेकिन अब नहीं, अब तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती। और अब अपने इस आशिक के साथ साथ तुम भी हवालात में जाओगी, और जो तुम लोग मेरी माँ के साथ करना चाहते थे ना, उससे बुरा मैं तुम दोनों के साथ करवाऊंगा, ये बात मेरी याद रखना तुम दोनों। गौरव ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना तुम मुझे घर से निकाल सकती हो, कहाँ जाऊंगी मैं, तुम्हारी बीवी हूँ मैं, तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अरे माँ तुम ही समझाओ ना इन्हें कि मैं कहाँ जाऊंगी, अरे ऐसे घर थोड़ी थोड़ा करते हैं, और ये इसी ने भड़काया था मुझे, ये पैसों के लालच में था, इसकी वजह से हुआ माँ ये सब कुछ, मैंने नहीं किया। गौरव मेरी बात पर यकीन करो। नहीं साहब ये झूठ बोल रही है साहब, मैंने कुछ नहीं करा, ये सब इसी का किया धरा है, इसी ने बोला पहले मेरे पति की माँ को बाहर निकाल दो, और फिर पति को तो मैं कैसे भी ठिकाने लगा दूंगी, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, हम मिलकर ऐस करेंगे, अब पकड़ी गई तो मेरे पे सारा इल्जाम लगा रही है। ओए चुप, एकदम चुप, फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। गौरव मैं ऐसा कुछ, तुम्हें अब पति पत्नी का रिश्ता याद आ रहा है, जब तुम रंगे हाथों पकड़ी गई तब तुम्हें रिश्ते याद आ रहे हैं, मेरी माँ से प्यार याद आ रहा है, लेकिन नहीं, तुम उतनी ही गुनेगार हो जितना गुनेगार ये है, और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो ये तुम्हें भड़काएगा और तुम इसकी बातों में आ जाओगी। तुम दोनों को तो अब मैं थाने में भेजूंगा, और मेरी एक बात याद रखना तुम दोनों, जब तक मैं जिंदा हूं ना तुम दोनों को जेल में से बाहर नहीं आने दूंगा मैं। मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि तुझ जैसी लड़की से प्यार किया जिसे मेरी माँ की इज्जत करना भी नहीं आया। नहीं बेटा तू इनको थाने मत भेज, इनको जेल मत भेज, अगर ये जेल जाएंगे केस होगा तो हमारे घर की और हमारे खानदान की बदनामी होगी, इससे तो अच्छा बेटा इनको जाने दे यहाँ से, ना ही हम इनको देखेंगे और ना ही हमारा दिमाग खराब होगा, जाने दे बेटा इनको, जाओ तुम दोनों। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, शुक्र करो मेरी माँ का जो उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, वरना मैं तुम दोनों को खून के आंसू रुलाता, अब इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं तुम्हें जेल में भेजूं, निकलो मेरे घर से अभी के अभी निकलो। रुक, तूने मुझे ये 500 रुपए दिए थे ना, अब इन पैसों को तू रख, तुझे ज्यादा जरूरत है इन पैसों की, निकल यहां से, निकल। माँ मुझे माफ कर दो, मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ मेरे ही घर में होता रहा और मुझे पता नहीं चला, मैं वादा करता हूँ आपसे आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा।